इस वीडियो को आप तभी पूरा देखना जब आपको इन दो सवालों का जवाब नहीं पता हो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने MS Word ओपन किया है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा पैराग्राफ लिया है। यहाँ पर जो पैराग्राफ की लाइनें हैं वो बीच में से ब्रेक हो रही हैं। तो अगर हमें इन सभी लाइनों को जोड़ना होता है तो इसके लिए हम अपनी ब्रेक हुई लाइन के स्टार्टिंग में आते हैं। इसके बाद अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन दबाते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो हमारी लाइनें हैं वो जुड़ पाती हैं। अगर आपके पास एक छोटा सा पैराग्राफ है तो आप यहाँ पर अपना मैनुअल तरीका अपना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा पैराग्राफ है, 8-10 पेज का पैराग्राफ है जिसमें आपको ये काम करना है, तो इसमें आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा एक छोटे से काम को करने के लिए। लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपकी ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से दूर हो जाएगी। इसके बाद हम अपनी दूसरी प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पैराग्राफ लिया है और यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखे गए हैं, इन टेक्स्ट के बीच में कहीं पर कम स्पेस है तो कहीं पर बहुत ज्यादा स्पेस है। तो अगर आपको इन सभी स्पेस को रिमूव करना होता है तो इसके लिए आप यहाँ पर अपना मैनुअल तरीका अपनाते हैं। आप अपने टेक्स्ट के स्टार्टिंग में आते हैं, इसके बाद अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन दबा के कुछ इस तरह से अपना जो स्पेस है उसे रिमूव करते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास एक छोटा सा पैराग्राफ है तो आप ये काम मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक लंबा सा पैराग्राफ है जिसमें से आपको ये स्पेस को रिमूव करना है तो ये काम आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। ये समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि जो हम अपना पैराग्राफ है वो किसी वेबसाइट से या किसी पीडीएफ फाइल से कॉपी पेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की समस्या आती है। तो ये तो हो गई MS Word में आने वाली दो बड़ी समस्याएं। इसके बाद हम इसका समाधान भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी पहली समस्या थी पैराग्राफ में से लाइन ब्रेक होने की, इस समस्या का समाधान हम देख लेते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आपको अपने इस पूरे पैराग्राफ का सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और H बटन एक साथ प्रेस करना है तो यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो आ जाएगी और यहाँ पर रिप्लेस की कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद आपको आना है फाइंड व्हाट में। फाइंड व्हाट में आपको यहाँ पर कैरेट का सिंबल लगाना है। तो कैरेट का सिंबल कहाँ पर आपको मिलेगा, ये आपको 6 नंबर बटन में मिलेगा। तो कैरेट का सिंबल यहाँ पर लाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और 6 नंबर बटन एक साथ प्रेस करना है तो यहाँ पर कैरेट का सिंबल आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है P। तो यहाँ पर कैरेट का सिंबल और P लिखने से होगा ये कि जो हमारी बीच में से लाइनें ब्रेक हो रही हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, जैसे कि लीव और पिटीशन। लेकिन यहाँ पर जो लाइनें जुड़ेंगी उनके बीच में किसी तरह का स्पेस नहीं आएगा, जैसे कि लीव और पिटीशन दोनों एक साथ लिखे हुए आ जाएंगे, इनके बीच में किसी तरह का स्पेस नहीं होगा। तो हम अपने टेक्स्ट के बीच में एक सिंगल स्पेस देना चाहते हैं। सिंगल स्पेस देने के लिए आपको आना है रिप्लेस विद में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से स्पेस बार को एक बार प्रेस करना है तो यहाँ पर एक सिंगल स्पेस आ जाएगा। इसके बाद आपको रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी लाइनें बीच में से ब्रेक हो रही थी वो अभी जुड़ के आ चुकी हैं। इसके बाद आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से क्लोज पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम अपने दूसरे पैराग्राफ को भी ठीक कर लेते हैं। तो इस पैराग्राफ को ठीक करने के लिए इसे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और H बटन एक साथ प्रेस करना है तो यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो आ जाएगी। फाइंड व्हाट में आपको लगाना है यहाँ पर कैरेट का सिंबल और टाइप करना है P। इसके बाद आपको आना है रिप्लेस विद में। रिप्लेस विद में आपको एक सिंगल स्पेस देना है तो यहाँ पर कैरेट का सिंबल और P पहले से टाइप है तो हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर एक सिंगल स्पेस पहले से लगा हुआ है तो हमें दोबारा स्पेस लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा पूरा पैराग्राफ था
इसमें जो लाइनें ब्रेक हो रही थीं वो जुड़ के आ चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पर जो विंडो डिस्प्ले हो रही है इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वी मेड 5 रिप्लेसमेंट इन योर सिलेक्शन, मतलब जो हमने पैराग्राफ सिलेक्ट किया था उसमें से 5 लाइनें यहाँ पर ठीक हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू वॉन्ट टू सर्च द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, इसका मतलब ये है कि क्या आप अपने बाकी के डॉक्यूमेंट को भी ठीक करना चाहते हैं, क्या उसमें जो लाइनें ब्रेक हो रही हैं उन्हें भी आप जोड़ना चाहते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में और भी पैराग्राफ हैं जिसमें से लाइनें ब्रेक हो रही हैं तो आप यहाँ यस पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपने जितना पैराग्राफ का सिलेक्शन किया था उतने ही पैराग्राफ को अगर आपको सही करना है तो आप यहाँ नो पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल जो हमारा पूरा पैराग्राफ था ये ठीक हो चुका है, तो हम यहाँ नो पर क्लिक कर देते हैं, इसके बाद क्लोज पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अपनी दूसरी समस्या का समाधान देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पैराग्राफ लिया है, इस पैराग्राफ में जो टेक्स्ट हैं इनके बीच में कहीं पर कम स्पेस है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो हम इस पूरे पैराग्राफ में से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको अपने इस पूरे पैराग्राफ का सिलेक्शन करना है, इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एच बटन एक साथ प्रेस करना है, तो यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो आ जाएगी और यहाँ पर रिप्लेस की कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद आपको आना है फाइंड व्हाट में, फाइंड व्हाट में आपको कैरेट का सिंबल लगाना है, तो हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और 6 नंबर बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कैरेट का सिंबल आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लगाना है W, कैरेट का सिंबल और W लिखने से यहाँ पर होगा ये कि जो हमारा पूरा पैराग्राफ है इस पूरे पैराग्राफ में से जो स्पेस है वो पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पहली लाइन है इन अ केस, तो यहाँ पर इन अ केस के बीच में एक सिंगल स्पेस लगा हुआ है, तो अगर हम कैरेट का सिंबल और W यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर जो सिंगल स्पेस है ये भी रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सिंगल स्पेस रखना है अपने सभी टेक्स्ट के बीच में, तो इसके लिए आपको आना है रिप्लेस विद में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर एक सिंगल स्पेस देना है। सिंगल स्पेस देने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से स्पेस बार को एक बार प्रेस करना है, तो यहाँ पर जो हमारे टेक्स्ट होंगे उनके बीच में एक सिंगल स्पेस आ जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लोज पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा पैराग्राफ था इसमें से एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो चुके हैं और जो हमारे टेक्स्ट हैं इनके बीच में सभी टेक्स्ट के बीच में एक सिंगल स्पेस लगकर आ चुका है। इस पैराग्राफ में से एक्स्ट्रा स्पेस तो रिमूव हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो लाइनें ब्रेक हो रही हैं इन्हें भी हमें जोड़ना है, तो इसके लिए हम इस पूरे पैराग्राफ का सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एच बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो आ जाएगी। इसके बाद आपको आना है फाइंड व्हाट में, फाइंड व्हाट में आपको यहाँ पर लगाना है कैरेट का सिंबल, तो हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और 6 नंबर बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कैरेट का सिंबल आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है P, तो कैरेट का सिंबल और P लिखने से यहाँ पर जो हमारी लाइनें बीच में से ब्रेक हो रही हैं ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, जैसे कि पिटीशन हैज बीन, ये सभी लाइनें एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो हैज बीन है इनके बीच में किसी भी तरह का स्पेस लगकर नहीं आएगा, तो हम चाहते हैं यहाँ पर जो लाइनें एक दूसरे से जुड़ें तो हमारे जो टेक्स्ट हैं इनके बीच में एक सिंगल स्पेस लगकर आ जाए। तो सिंगल स्पेस लगाने के लिए आपको आना है रिप्लेस विद में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर सिंगल स्पेस देने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से स्पेस बार को एक बार प्रेस करना है तो यहाँ पर एक सिंगल स्पेस लग जाएगा। इसके बाद आपको रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देना है, इसके बाद नो पर क्लिक करेंगे, क्लोज पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारे पैराग्राफ में से लाइंस
ब्रेक हो रही थी वो एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं। तो कुछ इस तरह आप एमएस वर्ड की दो बड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं इन दो मैजिकल ट्रिक्स का यूज करके। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं।